नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया गया अभियान। खबर है जनपद अयोध्या से, जहां पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अयोध्या जिलाधिकारी व एसएसपी ने चलाए अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सक्रिय हुए अयोध्या के जिलाधिकारी व एसएसपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 48 घंटे के अंदर अवैध टैक्सी स्टैंड हटाने का आदेश दिया था। उनके बयान को आए महज 28 घंटे ही बीते थे कि शुक्रवार को डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, नगर आयुक्त विशाल सिंह दलबल के साथ जिला कारागार के पीछे वर्षों से चल रहे अवैध टैक्सी स्टैंड को बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण का कार्य शुरू हुआ। 2 घंटे के अंदर अवैध टैक्सी स्टैंड व अवैध तरीके से रह रहे लोगों को अतिक्रमण कर हटाया गया। इस दौरान डीएम व अन्य अधिकारी खुद मौजूद रहे और शहर में पैदल भ्रमण कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाया। देखिए, आज उसके गाड़ी ऊपर करो, लोगों का सड़क के आवागमन सुगम रहे, साथ ही साथ जन सहयोग लेते हुए कैसे व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाए, आम जनमानस को पहचान और सड़क भी जो है यूजर्स के लिए पूरी तरह से नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने आज जो सबसे व्यस्तम इलाका है शहर का चौक और आसपास पैदल भ्रमण करके देखा गया है। हम लोग जो व्यवसायी हैं उनके साथ संवाद स्थापित करते हुए सब विभाग आपस में कोऑर्डिनेट किया है। अतिक्रमण तथा यातायात और आम जनमानस का जो मूल सर अनंतर बैटरी रिक्शे की वजह से जाम लगता है, क्या करिए, क्या रोड वोड सर चेंज होगी? इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग, पुलिस विभाग, रोजगार और व्यवस्था दोनों के बीच में एक और व्यवस्था न फैलने के साथ ही साथ किसी की अगर रोजी रोटी चल रही है वैध तरीके से चल रही है, उसका कोई तो उसे भी किसी तरह की तकलीफ नहीं है, इस चीज को कोऑर्डिनेट करके हम लोग व्यवस्था में चुका है। सर मुख्यमंत्री का आदेश है, अवैध जो गाड़ियां चल रही है तो उसमें क्या अभियान चलाया जाएगा? देखिए, अवैध टैक्सी स्टैंड विशेषकर जिसके आप बात कर रहे हैं, जहां पर खास करके वसूली अगर कोई कर रहा तो उसको चेकिंग कराई जा रही है, ऐसा कहीं नहीं अभी तक आया है। कोई आता है जहां से अवैध वसूली चल रही है वहां निगम द्वारा या जो नगर पालिका है जिले के अंदर या नगर पंचायत के मुख्य से स्थान नहीं संचालित करते हैं, कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई माफिया के ठेकेदार लोगों से अवैध वसूली होते कार्रवाई करने का है, उसके लिए हम लोग लगातार सर्वे करा रहे हैं, जो भी मिलेगा उनके ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।